आदाब। भारत आदम को बनने का मोबाइल गेम है। काली गेम फैजाबाद, इतवारा, बुधवारा, मंगलवारा हर जगह पाया जाता है। अन्य कहा भोपाली। भाई खां, दिग्विजय सिंह जी को मध्य प्रदेश की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, और इसमें दो राय भी नहीं है कि काफ़ी अनुभवी और मंझे हुए सियासतदान हैं, और उनके अनुभवों को और सियासी मामलों में कांग्रेस ने काफ़ी फायदा भी उठाया है। लेकिन और ये बात और है भाई खां कि मध्य प्रदेश की सियासत के इस चाणक्य को माननीय कमलनाथ जी ने चक्रव्यूह में फंसा दिया है। और वह चक्रव्यूह क्या है कि भोपाल की जो सीट 29 साल से कांग्रेस नहीं जीत पाई, उन्होंने माननीय दिग्विजय सिंह जी को इस सीट पर प्रत्याशी बनाकर लोकसभा में उतार दिया है। अब दिग्गी राजा जैसा चाणक्य इसके अंदर उलझ के रह गया है भाई खां, क्योंकि उनके लिए राघोगढ़ सीट तो जीतना आसान बात है, लेकिन भोपाल की सीट ज़रा टेढ़ी खीर है। लेकिन कमलनाथ जी भी मानने वाले कहाँ थे, उन्होंने इस चाणक्य को इस बात पर मना लिया कि आप भोपाल लोकसभा सीट जीत के दिखाओ, तब हम आपकी राजनीति को मानेंगे। अब भाई खां, वैसे भी उनका 1 साल का राज्यसभा का कार्यकाल बचा हुआ था, और वो अभी इस चुनावी झंझट में पढ़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने उनको भोपाल की सीट पर प्रत्याशी घोषित कर ही दिया। अब मियां, कांग्रेस की इज्जत भी दाव पे, और माननीय राजा साहब की भी इज्जत दाव पर। अब देखना है कि चाणक्य अपने आप को इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकाल पाते हैं।